कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक को ख़त्म करने का जो तरीका है वो ये है कि हम गूगल में आके यहाँ पर लिखेंगे वाइट स्टूडियो डेस्कटॉप, या खाली वाइट स्टूडियो भी लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर ये हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और इस तरह हमारा ये वाइट स्टूडियो खुल जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद ये जो वीडियोस का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके से फिर ये हमारी जो है वीडियोस खुल जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है फ़िल्टर, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपीराइट लिखा हुआ। तो हमारी जिस वीडियो पे कॉपीराइट आया होगा तो हम उसको उस वाली वीडियो पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें कॉपीराइट कहाँ आया हुआ है। देखिए अभी ये कॉपीराइट लिखा हुआ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे हम कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसे हम कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा सी डिटेल, सी डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से ये ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा, जैसे फिर इस पे हम सिलेक्शन सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये तकरीबन मेरी एक मिनट आठ सेकंड की वीडियो है, तकरीबन 8 सेकंड या 10 सेकंड पर मुझे कॉपीराइट आया हुआ है। तो हम सी एक्शन पे जाएंगे, यहाँ जाके फिर हम इसको म्यूट पर क्लिक करेंगे, बल्कि इसमें म्यूट का ऑप्शन नहीं है, मैं इसको 800 कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं इसको म्यूट यहाँ से करूँगा, ये तकरीबन मेरी सारी वीडियो जो है ना तकरीबन म्यूट हो जाएगी। फिर मैं इसको सेव कर दूँगा और म्यूट के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर दूँगा और थोड़ी देर के बाद मेरा जो है इस वीडियो पे जो कॉपीराइट है मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियो पे जो है वो कॉपीराइट ख़त्म हो चुका है, इस वाली वीडियो पे था और ये नॉन कॉपीराइट हो गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नॉन कॉपीराइट हो गई है, ये वाली वीडियो देखें नॉन कॉपीराइट है, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है और ये नॉन कॉपीराइट।